पलामू के राजकीय मध्य सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बच्चों को पिछले 3 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा। अब तक बच्चों को कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिली है। इसे लेकर बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रदीप प्रजापति पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पूरे मामले में प्रधानाध्यापक का कहना है कि लंबे समय से स्कूल में संयोजिका का चुनाव नहीं हुआ है और इसी वजह से बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। पूरा ग्रामीणों ने आवाज उठाया, इसको प्रधानाध्यापक ने बीओ साहब के आवेदन लिखा जो सिर्फ संयोजिका ही के ही चुनाव किया जाए। पूरा ग्रामीण का मांग है जो पूरा प्रबंधक समिति भंग किया जाए। प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष के मिली भगत से ये लोग ने ऐसा काम किया कि बीआरसी में दिया है आवेदन। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई थी जिसमें संयोजिका का चुनाव करना था और किसी को लेकर हम लोग पिछले 1.5 महीने से, बल्कि अब बोले गर्मी छुट्टी से पहले से हम लोग कोशिश कर रहे थे और ये 6वीं बैठक थी। पिछले 5 बैठक में ग्रामीणों के विरोध और वैसे ग्रामीण जिनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और वो प्रबंधन समिति सदस्य भी नहीं, लेकिन बैठक में किसी प्रकार सूचना मिलने का उपस्थित होते हैं और बिना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।